देवभूमि हिमाचल को शर्मसार करने का मामला एक बार फिर सामने आया है। सुंदरनगर में पहले लड़की से जबरदस्ती शादी की गई और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं पीड़िता ने जैसे कैसे आरोपी के चुंगल से भागकर अपनी जान छुड़ाई और जंगल में भागते हुए अपने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। 18 वर्षीय पीड़ित युवती वर्जनों संघ डीएसपी कार्यालय सुंदरनगर पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं डीएसपी सुंदरनगर कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण पीड़िता परिवार मंडी एसपी के पास शिकायत दर्ज करवाई गई। पीड़ित युवती की माता सरला देवी ने एसपी मंडी गुरुदेव चंद शर्मा के पास लिखी शिकायत में अपनी बेटी का बल उपमंडल की ग्राम पंचायत कटाहू के पास जनरंग निवासी काकू व उसके रिश्तेदारों द्वारा मिलकर अपहरण दुराचार करने के बाद जबरदस्ती शादी करवाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सरला देवी का कहना है कि उनकी बेटी ने आरोपियों के चुंगल से भागकर अपनी जान बचाई है। उन्होंने कहा कि उसकी 18 वर्षीय बेटी का 8 अक्टूबर को आरोपियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उसकी बिना सहमति से जबरदस्ती बिना दस्तावेज के सुंदरनगर में विवाह करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को उसे फोन द्वारा उसकी बेटी का अपहरण करने वाले आरोपियों के बारे में सूचना मिली। उन्होंने कहा कि उसने कई बार उसे लड़की से बात करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक बार लड़की से बात करने पर लड़की ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। सरला देवी ने कहा कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसे किसी नशीले पदार्थ का सेवन करवाया गया था। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत वह 12 अक्टूबर को पुलिस चौकी रिवालसर में पुलिस को सारे मामले से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि शाम के समय पुलिस चौकी रिवालसर के अधिकारी द्वारा बिना FIR लिखे घर वापस भेज दिया गया था। सरला देवी ने कहा कि 12 अक्टूबर को लड़की को होश आने पर बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते से भागकर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंची है। मेरी बेटी 7 तारीख से घर से गई और उन्होंने अपनी सहेली के साथ गई और उन्होंने इसके साथ जबरदस्ती की और ब्याह को मजबूर की और ये मना करती रही और उन्होंने मजबूर किए और पता नहीं इसके साथ क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया उनको पता है, मेरे को नहीं मालूम है क्या किया क्या नहीं किया। और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति आए नहीं, 7 साल हो गए उनको खत्म हो चुके हैं, अब मेरे कोई नहीं आया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब आपको धमकी कौन दे रहा है? धमकी वो सब दे रहे हैं उनको, जो उन्होंने जो इसके साथ ये की जबरदस्ती की वो मेरे को सब धमकी दे रहे हैं। हमारे घर आ रहे हैं, रात भी आ रहे हैं, दिन भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, हमको बहुत खतरा है। मैं 7 तारीख को अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर गई और वहाँ पर उन लोगों ने मेरी जबरदस्ती उस लड़के से शादी करवाई और वो लड़का जो लड़का रहने वाला है उसका नाम देशराज है और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसके बाद वो तो मुझे बहुत ये करते थे कि भाई हम तेरे परिवार वालों को मार देंगे या कुछ भी अगर शादी नहीं की तो। और मैं उस दिन अगले दिन मेरी मतलब वो शादी हो रही थी घर से उनके और मैं रात को वहाँ से भागी, आगे जंगल था, इतना मेरे को बहुत डर लगा और बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर में पहुँची और उसके बाद भी उन लोगों ने पीछे से गाड़ियाँ लगाई, मैं बहुत डर गई थी और मेरे घर वाले भी डर गए थे, इसलिए हम सरकार से ये बोल लगाते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए।